हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आए हुए हैं अपने पुराने घर में जहां पर करीब 12-13 साल पहले रहते थे। तो दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूं अपने पुराने घर का नज़ारा कैसे है। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए पूरा नज़ारा चारों तरफ मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पूरा संयन फरा हुआ है एक कार। दरवाजों का भी बुरा हाल हो चुका है। ये देखिए पूरा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से नज़ारा कैसा दिख रहा है। ये जो टीला दिख रहा है, यही सबसे पुराना घर था, उसकी दीवारें खड़ी है। तो गाइस, देखा आपने हमारा पुराना घर जहाँ की अभी तक यादें जुड़ी हुई हैं, और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक समय था कि यहाँ पे हम लोग रहते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बस दिन गुजर जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं कहीं भी हो। ये देखिए इसी घर में हमारी मम्मी ने हमें धुलाई की थी, किस लिए? क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए इसी घर में जहाँ पे आंगन, ये जो देख रहे हैं आंगन था, यहीं पे धुलाई हुई थी। ये देखिए यहाँ से नज़ारा कैसा दिख रहा है। ये जो टीला दिख रहा है, यही सबसे पुराना घर था, उसकी दीवारें खड़ी है। तो गाइस, देखा आपने हमारा पुराना घर जहाँ की अभी तक यादें जुड़ी हुई हैं, और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक समय था कि यहाँ पे हम लोग रहते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बस दिन गुजर जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं कहीं भी हो। ये देखिए इसी घर में हमारी मम्मी ने हमें धुलाई की थी, किस लिए? क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए इसी घर में जहाँ पे आंगन, ये जो देख रहे हैं आंगन था, यहीं पे धुलाई हुई थी। दिन गुजर गए हैं, पर यहाँ की यादें हैं अभी, क्योंकि हमारा यहाँ, हम लोगों का जब काफ़ी छोटे थे, बचपना यानी जिसे कहते हैं, यहीं बीता था। आज भी ये इसका कंडीशन ख़राब हो गया, लेकिन आज भी हमें यहाँ पे आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बचपना गुजरा था। तो गाइस, ये दरवाज़ा बेकार हो चुका है, बेकार होने की वजह से ये देखिए पूरा नज़ारा यहाँ का। ये दीवार भी, एक कमरा ये भी था, ये भी बेकार हो गया गिर के, और बहुत बुरी कंडीशन में है, ये भी गिरने वाला है। और ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उस साइड से गिर गई है, तो दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, बहुत कोशिश करने के बाद ही खुलेगा। और यहाँ का नज़ारा हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ का नज़ारा ऐसा है। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत नीम की लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और
ये देखिए बहुत बुरी कंडीशन है। और ये है हमारे पड़ोसियों का है, ये देखिए चढ़ गया भैया, देखिए कितना नीचे। इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही, वाओ। ये तो दीवार का टीला है, चढ़ गया भैया, देखिए कितना नीचे। तो दोस्तों हम अपना पुराना घर घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने घर। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनाई दे रही है, दिल यहाँ खुश हो जाता है। ये देखिए वाह, हर तरफ गाना ही गाना। गाइस मैं एक बार बैक साइड में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ का पूरा ये यमुना नदी का रेतीला भाग है, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए गाइस, ये पता नहीं आपको दिख रहा है, दिखाई दे पा रहा है या नहीं। ये देखिए पूरा यमुना नदी का किनारा है, बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ही। और ये देखिए हमारा पुराना घर का टीला दिखाई दे रहा है सामने वाला, और ये हमारे ही पेड़ पौधे हैं गाइस। और यहाँ पे अब कोई रह नहीं रहा ना, इसलिए जहाँ पे कोई रहता नहीं वहाँ का सब कुछ धीरे धीरे बेकार होते जाता है। ये देखिए गाइस, ये देखिए यमुना की किनारा, शायद ये आपको दिखाई जूम में दिखाई दे पा रहा होगा। और ये देखिए पूरा यहाँ पे अमरूद का बगीचा है, ये देखिए। और ये बैर का पेड़ है, बैर का, यहाँ पे हम लोग बहुत बैर इस पेड़ पे चढ़ के खाए थे। और ये इधर जो आप देख रहे हैं ये बैर का बगीचा है, ये सामने। ये देखिए दोस्तों पीपल का पेड़ है, ये देखिए चिड़िया गाना गा रही है, कोयल भी कुहक रही है, वाओ। यहाँ से शायद दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा यमुना नदी का पानी दिखाई दे रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। और इधर देखिए रेत रेत दिखाई दे रहा है, ये देखिए गाइस। और ये है हमारा घर, तो गाइस हम अपना पूरा घर घूम चुके हैं पुराना वाला। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने घर। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।